अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आर ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम सिविलाइज एजुकेशन सिस्टम। आवर सब्जेक्ट इज़ उर्दू पी फॉर क्लास प्री नाइन्थ एंड नाइन्थ। दिस इज़ माई सेकेंड लेक्चर। हमने फर्स्ट लेक्चर में शेरी इस्लाहात की इस्लाहात कुछ पढ़ी थी, उसमें मिसरा, शेर और बंद हमने किया था और मतला किया था। अब हमारा नेक्स्ट है मक्ता। मक्ता के लफ्ज़ी मायनी काटने या ख़त्म होने के हैं। शेरी इस्तलाह में इससे मुराद गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस यानी मुख्तसर नाम इस्तेमाल करे मक्ता कहलाता है। अब मक्ता क्या होता है, इसका फर्स्ट जो मीनिंग है वो है काटने या ख़त्म होने के हैं, और शेरी इस्तलाहात में जो यूज़ होता है शेर में वो गज़ल का या कसीदे का आखिरी शेर होता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है। अब तखल्लुस इस्तेमाल करता है, तखल्लुस क्या होता है, मुख्तसर नाम, जैसे शायर अपना मुख्तसर नाम इस्तेमाल करता है। अब देखें, जब शेर होता है तो उसमें शायर जो है वो अपना पूरा नाम इस्तेमाल नहीं कर सकता, जैसा कि मीर तकी मीर है। अब अगर वो शेर में अपना पूरा नाम इस्तेमाल कर दे तो इस तरह जो शेर का बहर है वो ख़राब हो सकता है, तो इसलिए वो अपना मुख्तसर नाम रखते हैं जिस नाम से वो मशहूर होते हैं। जैसे मीर तकी मीर का मीर अपना इस्तेमाल करते हैं तखल्लुस, इसी तरह बहादुर शाह जफ़र है जो जफ़र इस्तेमाल करते हैं, मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब है वो अपना असद भी इस्तेमाल करते हैं और गालिब भी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह मक्ता का आप गज़ल या कसीदे का आखिरी शेर है जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करे या तखल्लुस इस्तेमाल करे। जैसे कि आपको एग्जांपल दो दिखाई दे रही है, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए दो गज जमीन भी ना मिली को हियार में, ये मिर्जा यहाँ पर ये बहादुर शाह जफर की गज़ल का मक्ता बयान किया गया है, उनका आखिरी शेर है। यहाँ पर मैंने मजनू पे लड़कपन में असद संग उठाया था कि सर याद आया, अब यहाँ पर मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब का गज़ल का आखिरी शेर बयान किया जा रहा है, तो ये मक्ता की मिसालें हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है काफिया। शेर के आखिर में आने वाले हम अल्फाज को काफिया कहा जाता है। हर शेर में काफिया तब्दील होता है, तहम इनकी आवाज़ एक जैसी रहती है। काफिया की जमा कवाफी है। अब देखें कि काफिया क्या होता है, कि शेर के आखिर में आने वाले हम आवाज़ अल्फाज को काफिया कहा जाता है। अब ज़रूरी नहीं है कि अब जो पहले शेर में काफिया इस्तेमाल हुआ है दूसरे शेर में भी वही काफिया इस्तेमाल हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हर शेर में जो होता है वो काफिया तब्दील होता रहता है। जैसा कि आपके पास आपके सिलेबस में ही ये गज़ल मौजूद है, दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, जान तुम पर निसार करता हूँ मैं नहीं जानता दुआ क्या है। अब आप इसमें देखो कि इसमें कौन कौन से काफिया इस्तेमाल हो रहे हैं। पहले में हवा और दवा इस्तेमाल हो रहे हैं और दूसरे में दुआ इस्तेमाल हो रहा है। हवा, दवा और दुआ तीनों में देखो आपको डिफरेंट काफिये है, और देखें जो मिसरा नंबर तीन है उसमें कोई काफिया नहीं है। इसमें ज़रूरी नहीं होता कि दोनों शेरों में आपके पास काफिया मौजूद हो और एक जैसा हो, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि पहले शेर में दो काफिया है और दूसरे शेर में एक काफिया है, उसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि काफिया एक जैसा ही हो। अब नेक्स्ट है हमारे पास रदीफ। रदीफ़ के लगे मानी सवार के पीछे बैठने के हैं। शेर के आखिर में आने वाले लफ्ज़ या अल्फाज के मजमूए को रदीफ़ कहा जाता है। हर शेर में रदीफ़ का लफ्ज़ या अल्फाज हूबहू दोहराए जाते हैं और इनमें कोई तब्दीली नहीं आती। अब क्या है, हमने काफिया पढ़ा था, तो काफिया क्या होता है कि शेर के आखिर में आने वाले हम आवाज़ अल्फाज। अब यहाँ पर है शेर के आखिर में आने वाले लफ्ज़ या अल्फाज के मजमूए को, ठीक है। तो काफिया क्या होता है, अगर इसमें डिफरेंट आ जाए तो काफिया क्या होता है कि काफिया हर शेर में तब्दील होता रहता है, लेकिन रदीफ़ हर शेर में तब्दील नहीं होता। आपने बहुत सारी नज़में देखी हैं जिसमें क्या होता है कि दोनों शेर होते हैं उन दोनों में, जैसे कि आपको ये ऊपर नज़र आ रहा है ये इसका मतला है यानी पहला शेर है, ये उसका दूसरा शेर है, तो क्या है दो जगह इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ सिर्फ एक जगह है। क्या अब जो रदीफ़ होते हैं, हमने देखा था कि काफिया है जो हर शेर के आखिर में हम आवाज़ अल्फाज को काफिया कहा जाता है, उसमें क्या होता है काफिया तब्दील होता रहता है, लेकिन रदीफ़ क्या होता है वो तब्दील नहीं होता। आप रदीफ़ की हम मिसालें देखते हैं। कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, मौत का एक दिन मुतय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, पहले आती थी हाल दिल पर हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। अब इसमें आप ज़रा देखें कि रदीफ़ क्या है, इसमें नहीं आती। आपको जब मैंने आपको बताया है कि जो मतला होता है जो गज़ल का पहला शेर होता है उसमें दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ़ होते हैं, जैसे कि इसमें आपको नज़र आ रहा है कि ये दोनों रदीफ़ इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन नेक्स्ट में आप देखें, नेक्स्ट जो आपका शेर है शेर नंबर दो, उसमें नहीं आती दूसरे मिसरे में इस्तेमाल हो रहा है, तो इस वक्त यहाँ पर हमारे पास रदीफ़ जो मैंने आपको एग्जाम्पल मिसालें दी हैं उसमें नहीं आती, हमारे पास क्या है रदीफ़ की मिसालें। ये अल्फाज बगैर किसी की तब्दीली के हर शेर में दोहराए गए हैं, आपको नज़र आ रहा है कि ये हर शेर में बगैर तब्दीली के दोहराए गए हैं, तो इसे रदीफ़ बोलते हैं। होप्स हो कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, यहीं से आपने इसी वीडियो को देख के, ये आपके मॉडल पेपर में थे तो आपने यहीं से देख के अपनी नोटबुक पर करना है और ला के स्कूल में चेक करवाना है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।